फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। इसका पार्ट वन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बहुत पहले ही। ये इसका पार्ट टू है, तो उसका पार्ट वन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से उसे देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स और इसका कंट्रोल कैसे करना है, ट्रीटमेंट, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम डिटर्मिनेंट्स से शुरू करेंगे। तो इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। इसमें क्या होता है कि हम एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड पढ़ते हैं, जिसमें हम एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का रिलेशन देखते हैं। तो एजेंट फैक्टर में हम एजेंट देखेंगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे, ठीक है। एजेंट में क्या है, कौन सा कॉजेटिव एजेंट होता है जो कि इस ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये फैकल्टेटिव इंटरसेल्युलर पैरासाइट है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दो सोर्स होते हैं, ह्यूमन और वोवाइन। ह्यूमन सोर्स में मतलब एक ह्यूमन सोर्स है, तो ह्यूमन सोर्स वो कौन सा वाला होगा जो कि है ना स्पूटम पॉजिटिव है, किसके लिए? ट्यूबरकल बैसिलाई के लिए, और जिसने अभी तक ट्रीटमेंट नहीं लिया है। वोवाइन सोर्स में वोवाइन ही होगा, और उस वो मतलब इन्फेक्टेड मिल्क उसका सोर्स होगा, ठीक है। वोवाइन का इन्फेक्टेड मिल्क होगा सोर्स उसका, ठीक है। अब हम आते हैं होस्ट फैक्टर पे। होस्ट फैक्टर में एज अगर हम देखें तो किसी भी एज में हो सकता है। सेक्स अगर देखें तो मेल ज़्यादा प्रिवलेंट है फीमेल से, मतलब मेल में ज़्यादा होता है। और हेरिडिटरी, ये इसका कोई हेरिडिटरी रिलेशन नहीं है, ये एक्वायर्ड होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन में ये ज़्यादा होता है टीबी। और इम्यूनिटी अगर हम देखें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि है ना कि इम्यूनिटी बर्थ से प्रोवाइड होती है, लेकिन ये एक्वायर्ड, हम मतलब ये एक्वायर्ड है, किसी नेचुरल इन्फेक्शन से हो सकती है इसके लिए इम्यूनिटी। और BCG वैक्सीनेशन से भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी होने से क्या होता है कि है ना वो मल्टीप्लिकेशन और स्प्रेड ऑफ बैसिलाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन को रोक सकता है बैक्टीरिया के, और है ना स्प्रेड होने से रोक सकता है अगर सेलुलर इम्यूनिटी प्रेजेंट है तो। अब हम आते हैं सोशल फैक्टर पे। तो कौन कौन से सोशल फैक्टर हो सकते हैं? पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कैसे वो रह रहा है, ठीक है। पुअर हाउसिंग, ओवर क्राउडिंग, अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस से भी रिस्पॉन्सिबल है ये होने को, ठीक है। तो अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोर कैसे ट्रांसमिट होता है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, मतलब ड्रॉप्स, एयर ड्रॉपलेट्स की हेल्प से होता है, ठीक है। और क्या है कि वो भी कौन से, मतलब किसी अगर पेशेंट को का स्पूटम पॉजिटिव है, ठीक है, ट्यूबरकुलर बैसिलाई के लिए, तो उनके न्यूक्लियाई, उनके ड्रॉपलेट्स से वो ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड जब एक तो होता है कि मतलब एक तो इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने से लेकर ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आने तक का टाइम जो होता है वो उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। तो वो कितना टाइम होता है? 3 to 6 weeks तक का। अब हम आते हैं कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। टीबी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम है ना उसके प्रिवलेंस और इंसिडेंस को कम कर सकें कम्युनिटी से, ठीक है। तो प्रिवलेंस मतलब नए केसेस और पुराने केसेस को हम कंट्रोल कर सकें, कम कर सकें, तो इसका एम यही है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव कंपोनेंट और प्रिवेंटिव कंपोनेंट। क्यूरेटिव कंपोनेंट में दो चीज़ आती हैं, केस फाइंडिंग और ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव में क्या है? BCG वैक्सीनेशन। ये दो फंडामेंटल कंपोनेंट हैं जो कि है ना नेशनल TB प्रोग्राम के अंडर आते हैं। अब हम आते हैं केस फाइंडिंग पे। केस फाइंडिंग में तीन चीज़ हम देखेंगे, एक तो केस और एक टारगेट ग्रुप और एक देखेंगे केस फाइंडिंग टूल। तो केस में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में, ठीक है। जो प्रोग्राम होगा उसका ये फर्स्ट स्टेप है कि हम स्पूटम मतलब हम ट्यूबरक्लोसिस वाले लोगों को हम जल्दी फाइंड करें, हम पेशेंट जो मतलब अर्ली
डिटेक्शन करें जो कि पॉजिटिव पेशेंट हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या देखेंगे, स्पूटम पॉजिटिव केसेस को हम देखेंगे। तो केस क्या होता है, केस वो होता है मतलब हम एक केस किसको बोलेंगे, तो पेशेंट हुज स्पूटम इज़ पॉजिटिव फॉर ट्यूबरकल बेसिलाई, जिसका स्पूटम पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे कल्चर करेंगे तो उसमें स्पूटम जिसका पॉजिटिव मिलेगा हम उसको केस बोलेंगे। और सच केसेस आर टारगेट ऑफ केस फाइंडिंग, हम ऐसे केसेस को फिर हम अपना टारगेट ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो केस कौन से हुए, मतलब प्रोग्राम के अंडर क्या होता है कि हमारे जो एम होता है कि हम स्पूटम पॉजिटिव लोगों को, मतलब जो कि टीबी से सफ़र कर रहे हैं, हम उन लोगों को जल्दी ढूंढें और जल्दी से क्योर करें, ठीक है। अब इसका टारगेट ग्रुप क्या है, टारगेट ग्रुप में फिर मतलब क्या होगा, हम टारगेट ग्रुप किसको बनाएंगे कि जिसको परसिस्टेंट कफ और फीवर है, जिसमें चेस्ट सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब चेस्ट सिम्टम्स उसी में दिखेंगे जो कि है ना डिसीज़, अगर मतलब डिसीज़ हो चुकी है और वो एडवांस स्टेज में जा रही है तो चेस्ट सिम्टम्स उसी में दिखेंगे, तो वो हमारे टारगेट ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये फर्टाइल, मतलब ये जो दिस इज़ मोस्ट फर्टाइल ग्रुप फॉर केस फाइंडिंग, ये जो ग्रुप होता है जिसमें परसिस्टेंट कफ और फीवर दिख रहा है, चेस्ट सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये मतलब सबसे फर्टाइल ग्रुप, मतलब यही इसके चांसेस होते हैं कि हाँ इसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अभी हम उसको ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव नहीं मान के चल रहे हैं, बस वो एक हमारा केस है, एक हमारा सस्पेक्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, केस फाइंडिंग टूल, स्पूटम एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपी। सेकंड है हमारा स्पूटम कल्चर, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी और ट्यूबरक्लिन टेस्ट, मतलब हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इन चार चीज़ों से फाइंड करेंगे, ठीक है। स्पूटम एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे कि स्पूटम स्मेयर एग्जामिनेशन करेंगे किससे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से। हम उसमें मतलब जब हम माइक्रोस्कोप, मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई को हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला मेथड ऑफ चॉइस है, मतलब हम पहले सबसे पहले इसी को करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, सैंपल हम कैसे लोगों का लेंगे, जो कि है ना पल्मोनरी टीबी सस्पेक्ट है, मतलब जो कि हमारे केस है जिनमें हमें लग रहा है कि हाँ इसमें हो सकता है, सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि है ना उसके हम टू स्पूटम सैंपल्स लेंगे माइक्रोस्कोपी के लिए, दो सैंपल लेने हैं हमको स्पूटम के, और इसमें क्या है कि मतलब दो सैंपल हमें इसलिए लेने हैं क्योंकि हमें ना ज़्यादा चांसेस हमें मतलब उसी में पता चल पाएगी, एक सैंपल से हमें इतना नहीं पता चल पाएगी, है ना, दो सैंपल से हम अच्छे से उसका उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो दो सैंपल लेंगे, एक तो डे वन को जब वो पेशेंट हमारे पास पहली बार रिपोर्ट किया है, तो एक ऑन स्पॉट लेंगे अंडर द सुपरविजन, ठीक है, उसे बताएंगे कैसे कैसे लेना, और एक हम उसको देंगे, एक कंटेनर देंगे हम उसे घर ले जाने को, और जिससे कि अर्ली मॉर्निंग सैंपल वो ले सके। अर्ली मॉर्निंग सैंपल उसे क्यों लेना है, क्योंकि वो ओवरनाइट सीक्रीशन जो हुए होंगे उसमें वो अच्छी तरह से स्पूटम में दिखेगा, ठीक है। डे टू में हमें सैंपल टू देखना है, जो कि है ना वो घर से जो लेकर आएगा वो सैंपल हमें देखना है, ठीक है। अब हम इसमें कराते हैं जेडन स्टेनिंग, जेडन एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो इसमें एसिड फास्ट बेसिलाई को डिटेक्ट करने के लिए होता है, और ट्यूबरक्लोसिस हमारा एसिड फास्ट बेसिलाई है। अब हम स्लाइड रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब हमने है ना हमने स्टेन कर लिया, अब हम स्लाइड को कैसे रिपोर्ट करेंगे, इसमें हमें नंबर ऑफ बेसिलाई को रिपोर्ट करना है, और नंबर ऑफ बेसिलाई से हमें पता चलेगी कि है ना डिसीज़ की सीवियरिटी क्या है, और मतलब उसकी इन्फेक्टिविटी क्या है, कि मतलब वो कौन सी स्टेज पे है, हम उसमें ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं मतलब ग्रेडिंग पे, तो क्या है, इधर है ना नंबर ऑफ बेसिलाई हैं और रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या है कि 100 पर 100 ऑयल इमर्शन फील्ड, मैं इसको फील्ड बोलूँगी, ठीक है, ऑयल इमर्शन फील्ड है OIF की फुल फॉर्म, पर 100 फील्ड में कोई बेसिलाई नहीं दिख रहा है, एसिड फास्ट बेसिलाई इसकी फुल फॉर्म है, AFB मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई, तो पर 100 फील्ड में कोई बेसिलाई नहीं दिख रहा है, तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे 0। पर 100 फील्ड में अगर 1 to 9 एसिड फास्ट बेसिलाई दिख रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे स्कैंटी रिपोर्ट करेंगे, स्कैंटी मतलब कुछ, हाँ कुछ वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमें पर 100 फील्ड में 10 to 19 एसिड फास्ट बेसिलाई दिख रहे हैं तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे +1, ठीक है।
अगर हमें पर फील्ड में 1 to 10 एसिड फर्स्ट स्पेशलाइज दिख रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे 2+। अगर हमें पर फील्ड में मोर देन 10 एसिड फर्स्ट स्पेशलाइज दिख रहे हैं तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे 3+, ठीक है। तो क्या है कि है ना, स्पूटम स्मीयर में ज़ेडन स्टेनिंग को पॉजिटिव होने के लिए कि हम है ना उसको पॉजिटिव कब बोल सकते हैं, तो उसमें 1 ml में, 1 ml स्पूटम में अगर है ना 10,000 बेसिलाई अगर हमको दिख रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। एवरी TB स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट कैन इन्फेक्ट अप टू 10-15% पर ईयर, है 15% पर ईयर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक इन्फेक्टेड, मतलब एक TB का पेशेंट 10-15% को इन्फेक्ट कर सकता है हर साल। अब हम रिज़ल्ट देखेंगे। जैसे एक होता है फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट, एक होता है फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट। क्या है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो इसको कैसे समझना है। फॉल्स पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव नहीं है, फॉल्स मतलब नहीं और पॉजिटिव मतलब, या फिर गलत, फॉल्स मतलब गलत और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो गलत पॉजिटिव है मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, अल्टीमेटली वो नेगेटिव है, ठीक है। मीन्स डैट स्पूटम स्मीयर रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, स्मीयर का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है, है ना। द पेशेंट डज नॉट रियली हैव स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव पल्मोनरी TB, मतलब क्या है कि स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव है लेकिन है ना उसे, लेकिन वो उसे TB नहीं है, तो ये किसी एरर की वजह से भी हो सकता है। अब है कि है ना फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है, तो फॉल्स नेगेटिव मतलब जो कि नेगेटिव नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो स्पूटम स्मीयर रिजल्ट इज़ नेगेटिव लेकिन वो पेशेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये किसी एरर की वजह से ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। अब हम आते हैं स्पूटम कल्चर पे। तो स्पूटम कल्चर में क्या है कि ये सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो स्पूटम कल्चर में क्या करेंगे, कल्चर एग्जामिनेशन करेंगे। इस ये कम से कम 6 to 8 weeks तक का टाइम लगाता है। और इसमें क्या होता है कि है ना स्पूटम इसमें नेगेटिव है लेकिन है ना उसके चेस्ट सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, तो उसमें मतलब जब हमने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करी थी तो है ना तो उसका स्मेयर नेगेटिव आया था लेकिन उसके चेस्ट सिम्टम्स मतलब गए नहीं थे, ठीक है। तो उसको उसमें हम इसकी कल्चर एग्जामिनेशन कराएंगे। अब इसमें क्या है कि है ना रिजल्ट आर डिलेड क्योंकि है ना जो माइकोबैक्टीरिया है उसकी स्लो ग्रोथ होती है। अब कल्चर है तो हम उसमें ग्रो करा रहे हैं एक तरीके से बैक्टीरिया को, तो है ना तो इसके रिजल्ट ना डिले हो सकते हैं क्योंकि है ना वो माइकोबैक्टीरिया उसकी जो ग्रोथ है वो है ना स्लो होती है। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी, तो मास मिनिएचर रेडियोग्राफी अब नहीं होती है केस फाइंडिंग के लिए क्योंकि है ना उसमें लैक ऑफ डेफिनेटिवनेस और हाई कॉस्ट, मतलब वो कॉस्टली था और उसमें और इसकी एक वजह थी कि उसमें वो मतलब डिफाइन नहीं कर पाता था, ठीक है, लैक ऑफ डेफिनेटिवनेस। इसमें क्या है कि है ना एक्सरे शेडो प्रेजेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन है ना, लेकिन हम उसको तब तक पॉजिटिव नहीं मानेंगे जब तक कि हमें उसमें ट्यूबरकल बैसिलाई नहीं दिख जाते हैं, ठीक है। अगर ट्यूबरकल बैसिलाई नेगेटिव है तो है ना आगे के जो प्रोसेस हैं वो नेगेटिव ही रहेंगे, तो चाहे हमें एक्सरे शेडो दिख रही हो लेकिन जब तक वो तब तक वो इंडिकेटिव नहीं होगा जब तक हमें ट्यूबरकल बैसिलाई नहीं दिखते, ठीक है। और इसका एक और चीज़ है कि कॉस्टली होता है। 4 है हमारा ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये डिस्कवर किया था वॉन पर्किट ने, ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज़ होता है। और इसमें क्या है कि पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएगा कब, चाहे वो पास्ट इन्फेक्शन हो चाहे वो प्रेजेंट का इन्फेक्शन हो, ठीक है। अगर वो इन्फेक्ट हुआ है, अगर उसका एक्सपोज हुआ है बैक्टीरिया से, तो वो इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये है ना ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि है ना हमें पता चल पाए कि है ना कि पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन में कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो उसके लिए ये एस्टिमेशन के लिए होता है। इसमें 3 मेन टेस्ट होते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इनमें तीन टेस्ट आते हैं, मोंटॉक्स टेस्ट, हीफ टेस्ट और टाइन टेस्ट। इसमें क्या है कि है ना ये मोंटॉक्स टेस्ट जो है वो इंट्राडर्मल टेस्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये हम तब प्रेफर करते हैं जब है ना जब हमें उसको बिल्कुल जस्ट कंफर्म करना है, प्रिसाइज मेजरमेंट लेना है, तब हम इसको मोंटॉक्स टेस्ट को प्रेफर करेंगे, ठीक है।
ट्यूबरक्लिन सेंसिटिविटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब क्या है हीफ टेस्ट, हीफ में क्या है कि है ना, इसमें ये पंक्चर टेस्ट होता है, इसमें है ना मल्टीपल पंक्चर किए जाते हैं और ये क्विक एंड ईजी टू परफॉर्म फॉर टेस्टिंग ऑफ लार्ज ग्रुप, है ना, ये लार्ज ग्रुप के लिए यूज़ होता है। टाइन टेस्ट को क्या है कि मल्टीपल पंक्चर टेस्ट है, अनरिलायबल है और उसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अब आप आते हैं टेस्ट मटेरियल और एंटीजन, मतलब हम क्या यूज़ करते हैं टेस्ट मटेरियल के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलिन। टू मेजर एंटीजन होते हैं, ओल्ड ट्यूबरकुलिन जिसको हम ओटी बोलेंगे, और क्या है पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। इसमें क्या है गिव फ्यूअर नो स्पेसिफिक रिएक्शन, मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट वाइडली यूज, इट इज़ स्टैंडर्डाइज इन टर्म ऑफ इट्स बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी एज ट्यूबरकुलिन यूनिट। मतलब क्या है कि है ना, इसको हम किस में मेज़र करेंगे, टी यू में, ट्यूबरकुलिन यूनिट में। स्टैंडर्ड पीपीडी, इसको हम पीपीडीएस भी बोल सकते हैं, 1 TU में क्या है 0.0002 mg PPD होता है। इसकी डोज क्या है, फर्स्ट स्ट्रेंथ में 1 TU होगी, ठीक है, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ में 5 TU और सेकंड स्ट्रेंथ होगी 250 TU। रूटीन टेस्टिंग के लिए जो वैक्सीनेटिंग स्ट्रेन है उसमें है ना 1 TU लिया जाता है इंडिया में, है ना। अब क्या है मोंटॉक्स टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट में क्या है इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ पीपीडी, हम पीपीडी का इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे ऑन द फोर आर्म, फ्लेक्सर आस्पेक्ट पे हम देंगे, ठीक है, लगाएंगे, उसमें क्या है 1 TU ऑफ पीपीडी मतलब 0.1 ml। अब 72 आवर्स के लिए हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब 3 डेज तक के लिए, उसमें क्या है रिदमा और इंड्यूरेशन दिखेगा, है ना, मतलब हाँ हमें वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की रिएक्शन देखने को मिल रही होगी। अगर इंड्यूरेशन का इंड्यूरेशन मोर देन 10 mm है, ठीक है, 10 mm मतलब यही है कि अगर उसका साइज़ जो रिएक्शन है रेडनेस और वहाँ पे व्हील्स जो दिख रहे होंगे, ठीक है, तो उसका साइज़ अगर 10 mm है तो वो पॉजिटिव है और ये इंडिकेट करता है कि वो पास्ट और करंट इन्फेक्शन है, ठीक है, मतलब या तो पास्ट में हुआ होगा या फिर करंट इन्फेक्शन है टीबी का। अगर है ना इरिदमा और इंड्यूरेशन अगर लेस देन 6 mm है तो वो नेगेटिव है। अगर है ना ये इरिदमा और इंड्यूरेशन मतलब जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहाँ पे हो रही होगी, जो कि रेडनेस वगैरह वो वहाँ पे हो रही होगी, तो उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। इंड्यूरेशन अगर 6 to 9 mm है तो वो डाउटफुल है, इक्विवोकल बोलते हैं उसको, ठीक है। द रिएक्शन मे बी ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और फिर एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। तो ये थी हमारी इसके कंट्रोल पे फर्स्ट वीडियो, मतलब सेकंड वीडियो इसकी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट और प्रोग्राम्स, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी मेम्बरशिप ले सकते हैं। थैंक यू।